तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे लूप। लूप के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि लूप क्या होता है। तो इससे पहले हमने लूप के बारे में आपके साथ बताया था कि लूप किस तरह से, कैसे और कब यूज किया जाता है। आई थिंक आपने उसको यूज भी किया, लेकिन हम एक चलिए उसको प्रोजेक्ट के जरिए, एक लाइव प्रोजेक्ट के जरिए उसको समझते हैं और हम बात करेंगे कि कैसे एक लाइव डेटा पे इसका यूज किया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि लूप जो है दो तरह का होता है, फोर एंड डू, और फोर के भी दो पार्ट है। तो पहला आपने एग्जांपल देखा आई का, दूसरा जो हमारा है वो है हमारा जे, इसका फोर इच का। तो हम आपके साथ फोर इच के बारे में अभी बातचीत करेंगे। तो मेरे पास डेटा है जिसमें एक स्प्लिट ट्रांसफर नाम का सीट है, एक दूसरा डेटा नाम का सीट। तो इसलिए क्या है कि डेटा में एक नॉट एलोकेटेड करके दिया हुआ है, दे रहा है सर, नॉट एलोकेटेड, राइट। अब स्प्लिट ट्रांसफर में यहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट है और एक कम और ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको बस ये देखना है यहां पे कि यहाँ पे सबसे पहले बात की प्रोडक्ट का सेल है या नहीं, राइट। तो प्रोडक्ट का सेल अगर है, मान लीजिए इसमें नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अगर प्रोडक्ट का सेल अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वन है और डेटा में एक कौन सा प्रोडक्ट है आपका, मान लीजिए इसके चलना ई एन नंबर से 147 है, तो डेटा में आते हैं यहाँ 147, मान लीजिए इसी में ये आपका 147। मैं ये काम करता हूँ, इसलिए डेटा में से कॉपी कर देता हूँ इसको। 147 के जो एलोकेटेड है वो जीरो है। जीरो मतलब कि जो यहाँ दी गई वैल्यू वन है, मतलब कि ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब है कि हम डेटा को दो भागों में बांटना है हमें, ठीक है, डीआईवी और ट्रांसफर में। तो डीआईवी में वो आएगा जितना डेटा कम रहेगा और जितना ज्यादा रहेगा वो ट्रांसफर में आएगा। जैसे कि यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन दिया हुआ है और आपका डेटा सीट में यहाँ पे आपका जीरो दिया हुआ है, मतलब कि वन ज्यादा है तो एक पूरा इसकी इंफॉर्मेशन डेटा सीट पे, ट्रांसफर वाले सीट पे चली आएगी। और मान लीजिए डेटा सीट में हमारा यहाँ दूसरे सीट में मान लीजिए टू है, मैं इसको कॉपी करता हूं और ट्रांसफर वाले सीट को यहाँ इसको कर देता हूं। अब इसमें क्या है कि इसमें फोर है हमारा, तो और डीआईवी इसमें डेटा सीट में टू है, तो इसमें क्या होगा कि दो जो है वो आपका डीआईवी में आ जाएगा और बाकी दो ट्रांसफर में चला जाएगा, दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। समझ गया सर क्या करना है हमें, कम होगा तो डीआईवी में, जितना है उतना डीआईवी में आएगा, उससे ज्यादा हमारा ट्रांसफर में जाएगा। समझ गया सर, सबको समझ में आ गया करना क्या है? सर थोड़ा थोड़ा आया, पूरी तरह से नहीं आया। डीआईवी में जितना एक्चुअल है उतना आएगा, ट्रांसफर में जितना एक्सेस है उसमें आ जाएगा। जी हाँ, इस तरह से आपने बताया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और फिर क्या क्या जाएगा, क्या क्या होना चाहिए इसमें, प्रोडक्ट कोड और ये आपका प्रोडक्ट कोड और ये आपका ईएन नंबर, ईएन 13 नंबर, और फिर इसके बाद उसके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ना, वन बाई वन कॉलम वाइज बढ़ते चले जाएंगे। ये स्टोर माफ कीजिएगा, स्टोर है तो इसमें हम स्टोर कर देते हैं, स्टोर कोड आ जाएगा यहाँ पे। मतलब कि मैनुअल मैं देखूं करा के बताऊं आपको, जैसे कि इसकी हम बात करें तो ये ज्यादा है, तो ये आपका F10 जो है इसमें ट्रांसफर पे जाएगा और यहाँ F10 देगा, यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। हाँ ठीक है, और इसके बाद इसका EN30 नंबर आएगा और फिर इसका प्रोडक्ट कोड आएगा। समझ गया कि नहीं सर? और यहाँ पे
सेल या जो भी डेटा पॉइंट है वो आ जाएगा वन, समझ गए। चलिए इसको करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें क्या डेटा कम या ज्यादा हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि यूजर जो है इसको रन करने से पहले अपना एरिया को सिलेक्ट कर ले, समझ गए सर, अपना एरिया सिलेक्ट कर लेगा, जितना एरिया सिलेक्टेड होगा वो उतने एरिए पे वर्क होगा, सिंपल सी बात समझ जाइए। उसके बाद हम जाते हैं डेवलपर विजुअल बेसिक, इंसर्ट मॉड्यूल्स, सब्जेक्ट डेटा टीएस के नाम से हमने ब्रैकेट ओपन करो। तो यहां पे सबसे पहले हम देंगे डिम आर एज ए रेंज, ध्यान रखिएगा हमें रेंज चाहिए, हमने रेंज दिया, फिर दिया कि फोर आई, फोर आई नहीं, फोर इच, इच आर इन सिलेक्शन, और नेक्स्ट ओके। तो फोर इच आर इन सिलेक्शन, देखिए क्या होता है कि फोर इच का यूज होता है सिलेक्टेड पे, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। तो हमने बोल दिया आर, एक हमने मान लिया रेंज, मतलब ए वन बी वन सी वन एक आर है, मैंने उसको समझ लिया। उसके बाद हमने बोला कि जितना हमारा सिलेक्टेड एरिया है उतना पे ही चले, तो वन बाय वन सबको इस तरह से आर मानता चला जाएगा और सबको दिखता चला जाएगा। सबसे पहले कंडीशन देना है कि हमारा अब हर एक सेल जो दिख रहा है आपको व्हाइट सेल दिख रहा है ना, उसको आर है, इसको कंप्यूटर आर मान रहा है। पहले बोला कि इफ आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, देन सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तब हम उसको रन करेंगे। ओके, उसके बाद हमें ये चेक करना है यहां पे कि इसकी कॉलम का हेडिंग, डेटा लुकअप करना है कॉलम का हेडिंग और इसका ईए नंबर क्या है, और इसके बाद ईए नंबर क्या है। यहां पे हम करेंगे, यहां पे हम यह एक और लूप लगेगा, फोर आई इक्वल टू चले वन टू रेंज ए 65,000 डॉट एंड ए हमने क्यों किया एक्सलेस अप डॉट रो डॉट रो सॉरी बेसिकली हमें आ हमें जो है इसकी आर की वैल्यू अगर जीरो से बड़ा है तो जो वैल्यू है मुझे इसका जो है चेक करना होगा ना कि एल मतलब कि यहाँ का स्टोर ईए नंबर एंड प्रोडक्ट को, ईए नंबर प्रोडक्ट को छोड़ देते, ईए नंबर एंड स्टोर में कितना वैल्यू है मुझे चेक करना होगा ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ देता हूँ डिम वी एज ए लॉन्ग, क्या मैच करना पड़ेगा ना कि इफ अरे यहाँ सीट के जगह पे यहाँ पे डेटा देना पड़ेगा, हाँ सीट और यहाँ पे हमें डेटा, हालांकि वी लुकअप लगा सकते हैं लेकिन वी लुकअप नहीं, यहाँ पे वीवीए मेथड हम ले रहे हैं, वन बाय वन हर एक डेटा को चेक करेंगे। यहाँ होगा यहाँ पे कि इफ सेल, चल यहाँ पे रेंज ही दे सकते हम रेंज कि आपका डेटा में ये पहले तो ईएन नंबर मैच करना है, देन सब लोकेशन, सब लोकेशन और ईएन नंबर दोनों मैच करना है ना, सब लोकेशन ए कॉलन और सी कॉलन को मैच करना है, किससे, इसके हेडिंग से और इसके एफ कॉलन से। तो यहां पे हम देते हैं स्टोर, हाँ
यहाँ पे ए, क्योंकि पहले कॉलम में स्टोर है, इसके साथ हमने आई को मैच किया, डॉट वैल्यू इक्वल है आर डॉट नहीं हाँ सेल्स आर डॉट कॉलन नहीं रो होगा ना, आप यहाँ रो होगा वन पहले नंबर रो, तो हेडिंग ऊपर है सबसे पहला इसलिए, और कॉलन हमने बोला आर डॉट कॉलन यहां से ले लिया। डॉट वैल्यू और फिर यहां पे एंड देते हैं और हम देते हैं रेंज, हमने यहां पे दिया सी, तो क्या ने बताया था सी कॉलन से मैच करना है इसमें सी सी और सी के साथ क्या बोल रहे हैं वैल्यू की स्पेलिंग गलत होगी सर, हाँ वो सॉरी आएगा अब ठीक कर देते हैं वैल्यू एंड सी कॉमा आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आर डॉट ऑफसेट जीरो रो एंड कॉलम। अब इसमें यहां आप देख नहीं आर नहीं एस कॉलम एस का हमारे फिक्स है ना, वन टू थ्री फोर एस कॉलम है ना, यहाँ पे हम ऑफसेट नहीं लगाएंगे, रेंज F इसके साथ हमने बोला आर डॉट रो डॉट वैल, अगर दोनों सही है देन देन V इक्वल टू सेल्स I कॉमा जी का रहते हैं जी का कॉलम, तो जी का साथ आई के सेल्स को लगा रहे डायरेक्ट हम जी कर देते हैं ना, सेल्स का जगह हम रेंज जी के साथ हमने आई को कंबाइन किया और डॉट वैल्यू जी पे स्टोर हो जाए और यहाँ पे हमने एंड लगा दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गया। क्या वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम उसको चेक करेंगे उसको चेक करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है यहां पे उससे उतना जितना है उतना डेटा डाल देंगे इसमें डीआईएल में, तो क्या क्या डेटा जाएगा, तो डेटा जा रहा है ईएन नंबर प्रोडक्ट कोड एंड यहां से ले जाता हूं मैं सी कॉलन का डेटा चाहिए एस कॉलन का डेटा चाहिए और आर का डेटा चाहिए। तो यहां पे हम करते हैं यहां नेक्स्ट साइड से पहले यहां देते हैं रेंज ए 65 अभी सीट सबका सीट नेम मैं सीट रेफरेंस नहीं दिया हूं, सबको सीट रेफरेंस देना होगा एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू मतलब कि मुझे यहां पे डीआईवी सीट में ले जाना है ना, तो पहले तो प्रोडक्ट कोड जाएगा ना, तो प्रोडक्ट कोड कहां से जाएगा यहां से जाएगा उसको, तो ए हो जाएगा हमारा रेंज प्रोडक्ट कोड किस में है सी कॉलम में सी और सी के साथ हमने कंबाइन किया इसको आर डॉट
रो को डॉट वैल्यू, और इसी को कॉपी करते हैं यहां पे पेस्ट करते हैं और यहां पे जीरो हो जाएगा और यहां पे वन, और इस बार कौन सा कॉलम जाएगा? एफ कॉलम, तो यहां पे आएगा एफ। एफ कॉलम देन पेस्ट, अब उसके बाद स्टोर जाएगा तो यहां पे जीरो और यहां पे हमारा वन टू हो जाएगा। और स्टोर के लिए हम यहां से क्योंकि हमें रो तो पता है कि हमें यहां पे फिर यहां पे सेल्स यूज करना पड़ेगा क्योंकि इस बार कॉलन हमें आर से उठाना है और रो हमें पता है कि वो पहला नंबर हुआ है वन कॉमा आर डॉट कॉलन डॉट वैल्यू, हो गया। तो दोनों डेटा आ गया, अब बात करते हैं वैल्यू की। तो हमें वैल्यू जो देना है कॉपी, हमें वैल्यू जीरो देना है, अब यहां पे हम कंडीशन लेंगे कि इफ आर डॉट वैल्यू इज माइनस वी इज ग्रेटर देन जीरो देन, और फिर एंड इफ ज्यादा हो तो अगर मान लीजिए नेगेटिव वाले को डालना है तो यहां भी एक इफ कंडीशन लग जाएगा। तो यहां हमने कर दिया ये, तो इसमें सब कुछ होगा, सब कुछ सेम होगा, बस यहां पे हमें देना होगा आर डॉट वैल्यू इज माइनस वी और यहां पे एंड। अब इसके आगे अब ऊपर में लिखा ए ए कॉमा आई है तो इसमें शीट डेटा लगेगा, तो जो डेटा शीट दिख रहा है ना आपको ये डेटा शीट यहां पर लगेगा, डेटा शीट पेस्ट, हाँ, और यहां भी डेटा शीट लगेगा और यहां भी डेटा शीट, जहां जहां आई कंबाइन हुआ है ना डेटा शीट वहां लगेगा। उसके बाद इसके आगे डी आई वी शीट जो हमारा है डी आई वी, हाँ शीट यहां पे डी आई वी डॉट, लेकिन इसमें तो वी पूरा डालना है ना, इसमें हम डाल रहे हैं वी माइनस आर डॉट वैल्यू, देखते हैं क्या होता है। इसके साथ ट्रांसफर, इसके आगे ट्रांसफर आएगा, ये आपका टी आर एफ, टी आर आर एफ, ओके मेरे हिसाब से हो गया। अब इसको एक बार रन करके हम देखते हैं सिलेक्टेड एरिया में, देखें कहां कहां गलती हुआ, एक
विदाउट ब्लॉक इफ, हमने इफ कहीं पे छोड़ दिया है। ओके ए इस फालतू में आ गया, डिबग। ओ हाँ हाँ ये मेरी गलती है सर, रेंज मेंशन करते हैं यहाँ पे अपन ने। हाँ रेंज डिलीट हो गई गलती से। और इसको कंटिन्यू करते हैं। आ गया ट्रांसफर, और ट्रांसफर में स्टोर नहीं डाला इसने। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ दो, यहाँ तीन होगा, फिर थ्री और यहाँ भी थ्री होगा। ये माइनस वाले आ गए सारे, ये माइनस क्यों आया? और टीआरएफ में आपका ये प्लस वाले आ गए, हमने उल्टा किया हुआ ना, इतना वैल्यू यहाँ पे हुआ v माइनस आर डॉट वैल्यू, जितना है उतना आ जाएगा ना, बट निगेटिव में आ रहा है। जैसे कि इसकी हम बात करें ट्रांसफर में, तो माइनस वन आ रहा है क्योंकि डेटा में a आपका f10, f10 तो डेटा में है ही नहीं, इसे स्टोर मैच ही नहीं किया है। इसमें तो एफ टेन ए आर ई सब लोकेशन कुछ गलत है सर, क्योंकि स्टोर कोड ज्यादा आ रहा है, स्टोर कोड तो हमने कम रखा हुआ है ना। इफ डेटा रेंज था फोर आई आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो देन चले फोर आई सीट से एंड अप तक चले, सही है। डेटा फोर सीट डेटा रेंज ए के साथ आई डॉट वैल्यू इज इक्वल, हाँ यहाँ पे सेल्स हमने दिया हुआ है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है सर, यहाँ पे सीट और सीट के साथ हमें स्प्लिट ट्रांसफर देना पड़ेगा, ये गलती थी सर। क्योंकि जब हम मल्टीपल सीट या मल्टीपल फाइल में काम करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर जगह पे उसका आप रेफरेंस दो, अदरवाइज जो एक्टिव सीट है। लेकिन फिर भी ये तो हमारा एक्टिव सीट तो कुछ और था ना, डॉट कॉलम, फिर मैं देखता हूँ इसको लगा के।
ताकि इससे फर्क करना चाहिए। नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, फैन ही लगा रखा है ना मैंने। अब जी इसको एयर फिट करके देखते हैं, एयर फिट करके v is greater than zero, then और यहाँ पे and if अब सही वर्क करेगा। तो डिलीट नहीं किया था ना मैंने। ये डेटा ही नहीं था इसमें, उस डेटा में डाल रहा हूँ इसमें, अब वर्क करेगा। फॉर्मूला ए मेरा परफेक्ट चल रहा है, बस डेटा नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। दिक्कत हो गया उनसे अब सही है जी। हाँ परफेक्ट ही वर्क कर रहा है। अब बताइए इस कोड में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का दिक्कत बताइए सर, एक बार बता दो फिर से सारा का सारा स्टार्टिंग। सिंपल सी बात समझ जाइए कि हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा में हमारे पास एक नॉट एलोकेटेड कॉलन है जो कि जी कॉलन कहलाता है, ठीक है। और मुझे क्या करना है कि इस जी कॉलन, जो जी कॉलम दिख रहा है आपका, जी कॉलम को देखना है कि अगर सिंपल सी इसमें कहावत है कि मुझे इसमें से डेटा को ट्रांसफर करना है दो शीटों में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जितना डेटा है जैसे कि टू है, तो मुझे टू को टू वैल्यू ट्रांसफर, यहाँ पे डॉट वी कर देता हूँ मैं, हाँ वी टू को ट्रांसफर कर देना है, ठीक है, यहाँ पे इस DIV कॉलम में। और टू से जो ज्यादा है वो मुझे दूसरे कॉलम, दूसरे शीट में ट्रांसफर वाले शीट पर रखना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फोर इज सिलेक्शन लिया, क्यों,
क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफर का जो सीट्स है उसमें हमारे पास बहुत ही ज्यादा कॉलम्स है, और ये कॉलन इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। तो हमने बोला कि रन करने से पहले आपको एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सिलेक्ट करने के बाद रन करना होगा, ठीक है। तीसरे हमने यहाँ पे एक रेंज डिफाइन किया, डिव आर रेंज, हमने बोला फोर इच आर इन सिलेक्शन। तो इसने फोर इच ने क्या किया कि जो सिलेक्टेड एरिया है उसके हर एक सेल को आर मान लिया। फिर इसने बोला कि इफ आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि इस पे वैल्यू है, देख रहे हैं कहीं पे वैल्यू है कहीं पे वैल्यू नहीं है, तो हमें कंडीशन तभी चेक करना है जब इसके अंदर वैल्यू हो। अगर वैल्यू ना हो तो कंडीशन चेक नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बाहर निकल जाना है। अगर वैल्यू है तो क्या करे कि उसकी लूप चले, मुझे क्या करना है कि इसकी जो हेडिंग और इसका जो नंबर है EN13 नंबर है उसको डेटा सीट में ढूंढना है। तो उसके लिए हमने फोर इच का फोर आई का लूप लगाया, हमने फोर एक से लेके सीट का जितना डेटा है उतना तक चले, और हर सेल को चेक करे कि उसकी वो पर्टिकुलर सेल क्या हमारे डेटा के पहले कॉलम, माने कि जो ये आपका यहाँ पे स्प्लिट डेटा में जो ऊपर हेडिंग है वो हेडिंग के बराबर है या नहीं है। तो उसके लिए हमने बोला कि रो नंबर तो एक है बट कॉलम चेंज होते रहते हैं, तो हमने आर डॉट कॉलम ले लिया। फिर हमने बोला कि सी डेटा और सी कॉलम में उसकी जो डेटा है वो हमारे डेटा इसकी एफ कॉलम के उसी रो जिसकी आर चेक हो रही है, एक एक सेल बाई सेल कर रहा है ना, तो हमने उसकी रो ले लिया, चेक किया। अगर कंडीशन फुलफिल हो गया तो उसकी वैल्यू उठा के वी पे रख देगी। फिर हमने बोला कि अगर वी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब वैल्यू मिल रहा है, तो डेटा को उठाओ और दूसरे शीट पे डाल दो, और यहां इसको एंड इस यहां पे करना होगा, एक एंड यहां से हटा दीजिएगा। फिर चेक किया कि आर डॉट वैल्यू में वी को माइनस करने पे अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये डेटा डाल दे, तो अलग अलग कॉलम का डेटा है, इसमें हमने बस वैल्यू को माइनस करवा दिया हुआ। ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, आप इस पे ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। आप लोग इसके अंदर कुछ करके देखिएगा। तो ये देखिए माइक्रो एक्सेल वर्कबुक में सेव है फाइल, हमने गलती क्या की, हमने फाइल को माइक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव नहीं किया था, मैंने अपना ही नियम तोड़ दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे माइक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव करना है, कहाँ पे हमने बोला हमें ब्राउज डाउनलोड नहीं कर देना, ओके मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय, गुड नाइट।